कॉकपिट में पायलट्स शराब नोशी करते हैं और ऐसे भी पायलट्स हैं जो कलर ब्लाइंड हैं फिर भी जहाज उड़ाए फिरते हैं। ये इंकशाफात किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या वाकई ऐसा होता है? हर 6 मिनट बाद दुनिया में कहीं ना कहीं पीआईए का एक जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता था। पीआईए के पायलट्स की प्रोफिशिएंसी को डाउन करने में पीआईए की अपनी एसोसिएशन का हाथ है। पीआईए की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए? शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए, प्राइवेटाइज। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ फरवा शाह। हाल ही में साबिक चीफ इंस्पेक्टर सिविल एविएशन अब्दुल बासित की जानिब से तहलका खेज इंकशाफात सामने आते हैं, जिनकी जानिब से कहा जाता है कि कॉकपिट में पायलट्स शराब नोशी करते हैं और ऐसे भी पायलट्स हैं जो कलर ब्लाइंड हैं फिर भी जहाज उड़ाए फिरते हैं। ये इंकशाफात किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या वाकई ऐसा होता है? आज हम मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान एयर ईगल एकेडमी में। जी तो नाज़रीन, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स एक्टिंग डीजी पाकिस्तान सिविल एविएशन, जो कि क्वालिफाइड एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक। साबिक चीफ इंस्पेक्टर सिविल एविएशन की जानिब से तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक मोड बासित एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड वेरी सीनियर एक्स पीएफ ऑफिसर हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मेरा सिविल एविएशन के साथ और इन एयरलाइन के साथ रहा है, बासित साहब के जो बातें थीं उसमें बहुत वज़न है और ये हकायक हैं। क्योंकि देखिए, अब वो उस चीज़ को गुजरे जो जिस दिनों का वो जिक्र कर रहे थे, बहुत अरसा हो गया, तो उसमें कोई ऐसे गलत बयानी करने की गुंजाइश नहीं है और बासित साहब ने जो कहा है मैं उसको बिल्कुल एक सही और दुरुस्त स्टेटमेंट समझता हूँ। और ये शराब नोशी और कॉकपिट में शराब पीते हैं पायलट्स, और एक उन्होंने कहा कि कलर ब्लाइंड एक पायलट निकला, तो इस पर क्या कहेंगे? उन्हें धमकियाँ भी मिलती रहीं, पलपा का क्या किरदार है इसमें? देखिए, वो जो धमकियों का जिक्र कर रहे हैं, वो जिस टाइम की वो बात है, हम सब जानते हैं कि उस वक्त कराची की सिचुएशन क्या थी। दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, दो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वहाँ पर भत्ताखोरी थी, अगवा था और थ्रेट्स थे। और एक वक्त आ गया था कि जबकि जो सिक्योरिटी वाले इदारे हैं उन्होंने वर्दियाँ पहनना छोड़ दी थी। ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने देखी हुई हैं। तो उन दिनों वाकई वहाँ पे किसी का उन ऐसे माफियाज़ की मंशा के बग़ैर काम करना बड़ा मुश्किल होता था और बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी आपको आवाज़ निकालने के लिए। कल को आपकी फैमिली अगवा हो जाती थी, आपके बच्चे अगवा हो जाते थे। वी ऑल हैव सीन मेरी एज के लोग, बल्कि यंगस्टर भी, उन लोगों ने वो टाइम देखा हुआ है। तो इसलिए उन दिनों उस हिसाब से उन माफिया के अगेंस्ट काम करना, बोलना, ये बहुत बड़ी बात थी। और बासित साहब ने जैसे कह रहे हैं, उन्होंने लिख के दिया सारा कुछ, तो उन दिनों ये मुश्किलात थी। अब जो सिचुएशन है वैसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हालात बहुत बेहतर हैं। तो आई थिंक कि अब आपको एक डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ेगी एविएशन के मामलों को सुधारने के लिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए, एक दौर था कि जैसे कि अभी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि हर 6 मिनट बाद दुनिया में कहीं ना कहीं लैंड करता था पाकिस्तान का जहाज। क्या फिर ऐसी वजूहत हुई, सक्सेस स्टोरी क्या थी, उसके बाद फिर क्या हुआ ऐसा कि अब ये दौर है? देखिए, किसी भी इदारे को तरक्की करने के लिए, पनपने के लिए, एक तो टीम अच्छी ज़रूरी होती है और टीम का लीडर और टीम, दोनों चीज़ें। इसमें आप कहें कि टीम अच्छी है और लीडर अच्छा नहीं है या लीडर अच्छा है टीम अच्छी है, नहीं, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात, जो कॉम्पिटेंट लोग, नेक नीयत वाले अगर वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव या जो भी बॉस होता है उसको पूरी पावर्स और सपोर्ट गवर्नमेंट की चाहिए, अगर ये सरकारी इदारा है। अगर प्राइवेट इदारा है तो उसके बोर्ड की सारी उसको कंप्लीट उसको सपोर्ट चाहिए। तो कोई भी इदारा उसके बगैर काम नहीं कर सकता। अगर आपने टास्क मुझे दिया है लेकिन 20 लोग इसमें इंटरफेयर करने वाले हैं या मुझे डिक्टेट करने वाले हैं, मैं काम नहीं कर सकता, ना मैं काम कर सकता हूँ, ना मेरी टीम और ना इदारा चल सकता है। तो बदकिस्मती से जो एक पीआईए जो कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में थी,
उन एयरलाइंस में इसका शुमार होता था जब, जैसे हमने कहा कि हर 6 मिनट बाद दुनिया में कहीं ना कहीं PAA का एक जहाज़ लैंड या टेक ऑफ कर रहा होता था। उसकी क्या नौबत आ गई है कि अब हमारे पास मुश्किल से PAA में 30-32 जहाज़ हैं। तो हमने टाइम के साथ, वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं। सरकारी इदारों का रिवाज नहीं है कॉरपोरेट सेक्टर में आजकल। दुनिया में किसी मुल्क में स्टेट ओन्ड एयरलाइन नहीं है। पैन एम ख़त्म हो गई, एरोफ्लोट ख़त्म हो गई, अभी ब्रिटिश एयरवेज भी, उन्होंने जिसमें, हालांकि उनमें प्राइवेट सेक्टर और हमसे बहुत बेहतर थे, वो भी बंद हो गई हैं। तो उसमें PAA को अभी भी चलाना उस अंदाज से, और वो भी जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास पूरी पावर्स, हायर एंड फायर और लिबर्टीज ना हो, जब उसके ऊपर कोई पेल्पा का इंटरफेरेंस है, यूनियन का इंटरफेरेंस है, स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं मल्टीपल, और उसमें फिर इदारे का जो है बनना दोबारा से मुश्किल कम अज़ कम है, अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल है कम अज़ कम, लेकिन नामुमकिन आपने जैसा कि कहा नहीं है, तो नामुमकिन आप में से ही अभी उम्मीद की किरण निकलती है। तो आप ये बताएं कि किन तब्दीलियों की ज़रूरत है PAA में कि उसे बदला जा सकता है, वहीं पहुँचा। देखिए, PAA के साथ साथ सिविल एविएशन की बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कनेक्टेड है। देखिए, एक ऑपरेटर है, एयरलाइंस हैं, क्लब्स हैं, चार्टर हैं, और एक उनको इदारा है जो रेगुलेट करता है जी। इसी तरह जब तक आप रेगुलेट करने वाले इदारे को कॉम्पिटेंट लोग नहीं रखेंगे और जो हैं उनको पूरी आप पावर नहीं देंगे, पूरे कंट्रोल इख्तियारत नहीं देंगे, तो काम नहीं हो सकता। तो बदकिस्मती से हमारे ये होता रहा है कि PAA को, ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं सिविल एविएशन में मैंने कुछ 2 साल गुजारे हैं, बहुत अच्छे लोग, बड़ा काम करने वाले हैं, उनसे सिर्फ आपको काम करवाना आना चाहिए, काम करने वाले लोग हैं, PAA में भी हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मैंने देखा है कि PAA को हमेशा सिविल एविएशन से ऊपर रखा गया। सही। अच्छा, सिविल एविएशन और PAA का आपस में क्या ताल्लुक है, ये थोड़ी हिस्ट्री बता दें। आपने अभी खुद ही कह दिया कि हमेशा PAA को ऊपर रखा गया, लाइक व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। आज से 20-30 साल पहले भी और आज भी हमारा जो डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर है कोई इतना बड़ा नहीं है जी। हमसे बहुत छोटे छोटे ममालिक में बेतहाशा एयरलाइंस हैं, प्राइवेट जेट्स हैं लोगों के, क्लब्स हैं बेतहाशा, हमारा तो बड़ा छोटा सा सेक्टर है। आपसे 15-20 साल पहले सिर्फ एक एयरलाइन थी, PAA। इसको रेगुलेट करने के लिए सिविल एविएशन को 1980s में एक ऑर्डिनेंस के तहत एक इदारा बनाया गया। पहले एक छोटा सा सेक्शन होता था, बनाया गया, जिसको सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब अथॉरिटी इंडिपेंडेंट होती है, अथॉरिटी बनी, और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, आपने भी अभी जिक्र किया कि एयरफोर्स से लोग आते हैं, क्यों आते हैं। देखिए, इसलिए पहली बात यह कि हमारा एविएशन सेक्टर इतना डेवलप नहीं है। आपने बताया आप लॉयर भी बनना चाहती हैं, तो बेतहाशा लोग हैं जो कि लॉ में जा रहे हैं, हमारे पास कोई बाहर से वकील मंगाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT में हैं, सारे शोबों में हैं। जब एक अकलौती PAA थी तो आप PAA को रेगुलेट करने के लिए PAA के लोग तो नहीं लगा सकते थे। तो और कौन सी एजेंसी थी पाकिस्तान में उस वक्त जो कि फ्लाइंग से रिलेटेड थी, एविएशन से? एयरफोर्स। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त एयर मार्शल खुर्शीद अनवर मिर्ज़ा और उनकी टीम को गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया। तो जिस तरह एक ज़माने में एयर मार्शल नूर खान ने PAA को यहाँ से उठा के दुनिया की टॉप 10 में ले गए थे, इसी तरह इस टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के सारे कवानीन, सारा सेटअप, सारी चीज़ें बनाई। तो एक तो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली एयरफोर्स से लोग आते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं से भी लोग आएँ कॉम्पिटेंट होना चाहिए और उनको इख्तियारात के साथ वहाँ पर काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो ये इशू तो वो हो गया। अब जो बीच में ऐसे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे मौके भी मैंने देखे, ऐसी चीज़ें भी देखी कि जो एडिशनल सेक्रेटरी एविएशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो एविएशन का एक्सपर्ट है वो बजट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, और जिसका ना एविएशन से ना किसी से कोई ताल्लुक है वो एविएशन को देख रहे हैं। अगर आप एक कॉरपोरेट सेक्टर को चलाने के लिए एक बिल्कुल नॉन कमर्शियल आदमी को लगा देंगे, वो कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मसला हमारे जी। और फिर दूसरी चीज़ कि हमेशा से एक टाइम के बाद PAA को तरजीह दी जाने लगी सिविल एविएशन के ऊपर, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जो एयरफोर्स के लोग आए उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनको लगाया गया।
लेकिन यस, जैसे जैसे हमारा एविएशन सेक्टर ऊपर जाता है, जैसे आजकल बहुत मैंने देखा है यूथ जो है, बच्चे जो हैं वो एविएशन स्टडीज़ में कर रहे हैं, उसमें ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे डेवलप होगा, यस, ये कॉम्पिटेंट लोग सिविल से आने चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। सही, तो आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइंग है, ये जस्टिफाइंग है कि ट्रेडिशनली लोग आते रहे हैं। आप भी तो डेफिनेशन पर गए। मैं भी गया था। जी बिल्कुल गया था। कैसा तजुर्बा रहा? मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, मुझे बड़ी अच्छी टीम मिली, मैंने उनके साथ मिलके आई थिंक हमने एक अच्छा काम किया और मेरी टीम बड़ी अच्छी थी। मैं अभी भी कहता हूँ कि सिविल में बड़े अच्छे लोग हैं काम करने वाले, उनको एक उनको सपोर्ट देने वाला शोल्डर होना चाहिए बॉस का, और बॉस के ऊपर बैकिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि सिविल एविएशन प्योरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है। नीचे एयरलाइंस और भी हैं, प्राइवेट एयरलाइंस भी हैं, प्राइवेट क्लब्स हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे पैदा हुआ जब पीआईए के लोग जो है, एक तो आई एम सॉरी टू से, पीआईए के पायलट्स की प्रोफिशिएंसी को डाउन करने में पीआईए की अपनी एसोसिएशन का हाथ है। एक्सीडेंट्स की बात आपने की, देखिए जब एक एक्सीडेंट होता है उसका मकसद किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालना नहीं होता, बेसिक मकसद होता है कि एक्सीडेंट किन वजूहात से हुआ। वो वजूहात टेक्निकल हो सकती हैं, वो वजूहात ह्यूमन रिलेटेड हो सकती है, ह्यूमन रिलेटेड इस जहाज की मेंटेनेंस करने वाले भी ह्यूमन बीइंग है, उड़ाने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, एरर मेरा है ह्यूमन, इनका है ह्यूमन, या के कोई और वजूहात थी। उन चीज़ों को डिटरमिन करना और फिर ताकि आइंदा से, देखिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का बुनियादी मकसद होता है कि आइंदा से एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। तो यहाँ पे हमारे आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि इस पे मलबा डाल दिया, इस पे मलबा, सियासतदान देने लगे। सियासतदानों का क्या काम है? मैं अगर टेक्निकल एक आदमी हूँ तो मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह सियासत वालों का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर कमेंट करें। तो ये गेटिंग बैक टू द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट यही था कि जब पीआईए जिसको रेगुलेट करना है वो रेगुलेटरी इदारे से ऊपर चली जाए तो काम नहीं हो सकता, फिर ये मनमानी। जैसे स्कूल का एक टीचर, उसको साथ एडिशनल वजीर तालीम का अगर एक वो दे दिया जाए, ओहदा दे दिया जाए, तो आप बताइए वो प्रिंसिपल काम कर सकता है? नहीं। उस स्कूल में काम होगा? नहीं होगा। ऐसे भी हुआ कि पीआईए से एक शख्स को, एक कप्तान को उठा के, वो बैक का कप्तान भी है और उसका बॉस पीआईए में कोई और है, यहाँ से उठा के उसको सिविल एविएशन का डीजी लगा दिया गया। कैसे काम हो सकता है? तो ये, और इसमें तमाम हुकूमतों का पिछले जो 30 साल में आई उनका कसूर है, इसमें कोई तख्सीस मेरे हिसाब से नहीं है कि इन लोगों ने किया, इन लोगों ने नहीं किया। साजिद हबीब साहब, अभी रिसेंटली इमरान खान की ही हुकूमत की बात कर लेते हैं, बीच के उन्हीं की हुकूमत है, तो उनकी जानिब से भी उन्हें लगाया गया, अरशद मलिक साहब को जी, जो कि ऑफिसर थे उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में, और उनको फिर पीआईए का सीईओ बना दिया गया, और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टसल शुरू हो गई। तो क्या वजह है कि क्यों, अगर मतलब अगर किसी को सीईओ बनाया भी जाता है फिर भी वो टसल उनकी वैसे की वैसी रहती है, और वो जो इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की कोशिश की जाती है वो हल नहीं हो पाते? देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर मेरा ओपिनियन है कि पीआईए का हल क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पर आपने पूछा कि अगर एयरफोर्स से एयर मार्शल अरशद मलिक गए हैं तो उनको फिर रिस्ट्रिक्शन आई, उनको बीच में सस्पेंड कर दिया गया, फिर उनको स्टे लिया। आपको पता है स्टे किसने लिया था और किसने पिटीशन की थी? एक यूनियन का एक्स आदमी जो कि रिटायर हो चुका है। तो देखिए आपने एक, अगर इन मारूजी हालात में आपने किसी को चार्ज दिया, क्या आपने उसको पूरी पावर्स दी? नहीं, आपने हाथ बांध दिया, थोड़ी बहुत किसी तरीके से बांध दिया, किसी ने पिटीशन करके बांध दिया, किसी ने कैसे बांध दिए। तो जब तक फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ अथॉरिटी नहीं होगी तो उस वक्त तक मुझे ये इसमें कहने में कोई झिझक नहीं है कि उस वक्त तक काम ठीक नहीं हो सकेगा। अगर आपने अरशद मलिक साहब को भी कहना है तो उनको काम करने दीजिए, और मैं अरशद मलिक साहब से कहूँगा कि पीआईए में जो अच्छे लोग हैं उनके साथ एक टीम बनाइए, और आई एम श्योर, और पीआईए से कुछ रिटायर्ड लोग बड़े अच्छे अच्छे मौजूद हैं जिन्होंने सर्विस देखी है, जो अपनी लाइफ को ओन करते हैं कि ये पीआईए की वजह से है, उनको शायद एडवाइज़र के तौर पे आप रखिए, तो आई एम श्योर कुछ बेहतरी हो सकती है। तो साजिद हबीब साहब, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है पीआईए और सिविल एविएशन का कॉन्फ्लिक्ट और किस तरह से उसे हल किया जा सकता है, अब प्रिसाइजली आप ये भी बता दें आपका क्या तज्जिया है कि पाकिस्तान एविएशन को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इस सेक्टर को बेहतरी कैसे लाई जा सकती है इसमें? जैसे कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए एविएशन की बहाली के लिए या सेक्टर की बेहतरी के लिए
पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को कॉम्पिटेंट और बेहतर दर्जे पे ले जाना बड़ा ज़रूरी है, एक सिंपल वन थिंग। और उसका कंट्रोल होना चाहिए, वो PIA हो या प्राइवेट एयरलाइंस हो। अगर पूरा कंट्रोल होगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे एक कॉम्पिटेंट डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को अपॉइंट करे। अफसोस की बात है कि 2 साल हो गए हैं और एडहॉक बेसिस के ऊपर काम चल रहा है। जो भी कोई मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी आता है उसको एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का, ऐसे काम नहीं होता। सो इन वन वर्ड, अ कॉम्पिटेंट DG विद फुल पावर्स, विद फुल बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट टू कंट्रोल इररिस्पेक्टिव ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है या प्राइवेट एयरलाइंस हैं या प्राइवेट क्लब्स हैं, द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर बेटर एयर एविएशन इन पाकिस्तान। अच्छा, ये फेक लाइसेंसिंग का क्या मामला है? क्या इतना ही आसान है कि लाइसेंस ले लिया जाए? मुझे भी वैसे बहुत शौक है साजिद हबीब साहब, तो फिर मुझे भी लाइसेंस कहीं से ले दें और मैं भी जहाज उड़ाती फिर। देखिए, बदकिस्मती है यह हमारी कि ये सारा इशू खड़ा हुआ, और फिर मजीद बदकिस्मती के उसको हमने खुद ही उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उछाल लिया, जो करना नहीं चाहिए था। अपने घर के मामलात को खामोशी से ज़रूर निपटाया जाए, लेकिन खामोशी से अपने घर के अंदर। टेक्निकली बात करें तो ये जितने लोगों पे इल्ज़ाम है कि इनके लाइसेंसेज फेक हैं या घर पे हैं, पहली बात तो ये है कि वो फेक है, बैठ के पेपर दिया या नहीं दिया, ये रिज़ल्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने सर्टिफाई करके इशू किए हैं। किसी ने घर बैठ के खुद नहीं बनाए। यस, अगर किसी ने पैसे लिए हैं तो वो सिविल एविएशन के उन इदारों से, उन डिपार्टमेंट से जो कि एग्ज़ाम्स को कंट्रोल करते हैं, जो एग्ज़ाम लेते हैं, वहाँ पर कुछ करप्ट अनासर ने ऐसी हरकत की। और लोग देखें, कोई बहकाने वाला हो तो लोग बहकते हैं ना। तो जब उन्होंने ल्योर किया, ये हुआ, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट बना वो सिविल एविएशन ने बना के दिया। अगर आपने फेक लाइसेंस लेना है, जैसे आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तो उसके लिए पैसे आपको उसी को देने पड़ने थे जो कि फेक काम वहां पे करता था, क्योंकि वो रिजल्ट निकालता, बिकॉज वो रिजल्ट जो निकलता वो सिविल एविएशन के कंप्यूटर से ही निकलता। तो बदकिस्मती से ऐसे वाकयात हुए, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी लिस्ट मैंने देखी हैं इसमें बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन है। और इसमें यस जो हुए हैं, और इस देखिए, ये आप इसको कुछ तो होगा, कुछ तो सब आप इसको इसमें मेरा हाथ इस तरह समझ लीजिए कि जब मैं एक्टिंग DG था जी। तो मैंने ये कंप्यूटर बेस्ड लाइसेंसिंग में जो एग्ज़ाम थे इंट्रोड्यूस कराए थे, क्योंकि इससे पहले रिटन हाथ से पेपर होते थे, उसमें बदकिस्मती से उस वक्त भी होती, जैसे पाकिस्तान में अक्सर जगहों पे पेपर में नकल मारते पकड़े गए, ये दौर में एक चलता है, लेकिन उसको किल करने के लिए हमने कंप्यूटर बेस्ड स्टार्ट किया था, और सैडली उसी को भी टेम्पर किया गया। क्वेश्चंस कहते हैं कि अब्दुल बासित साहब कहते हैं कि क्वेश्चंस पता चल जाते हैं पहले। वो पहले तो क्वेश्चन पता चल जाते थे ना, इस वाले सिस्टम। अब्दुल बासित साहब एक्चुअली मेरे से पहले के हैं सिविल एविएशन में, उस वक्त पेपर जैसे आपको कहा जाए कि आप मैट्रिक का पेपर बना दो, आप बुक्स खोलेंगी 10 सवाल लिखे, अब ये पेपर आपने इसको या मुझे लीक कर दिया तो ये लीक हो गया। इसको किल करने के लिए मैंने इंट्रोड्यूस कराया था कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, जिसमें जो क्वेश्चन थे जो इंटरनेशनली जो पूछे जाते थे वो पूरा क्वेश्चन बैंक, अब कोई साथ साथ बैठ के भी चीटिंग नहीं कर सकता था। आपने अपना कोड डाला अपने कंप्यूटर पे, मैंने अपना डाला अपने कंप्यूटर पे, मेरा पेपर निकला, मेरा और पेपर आपका पेपर आइडेंटिकल नहीं है। आपने हल किया, ऑब्जेक्टिव है ABCD विच वन इज द करेक्ट आंसर, आपने क्लिक किया, आपने पेपर पूरा किया, एंटर किया, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक बन गया। तो पेपर देने वाले के इख्तियार में सिर्फ ये है, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। और लेकिन इसको टेम्पर कौन कर सकता है? जो CA का IT वाला या उनके साथ मिली भगत से लाइसेंसिंग वाला। तो दैट इशू शुड हैव बीन हैंडल्ड इन हाउस, दुनिया के सामने, जिसको कहते हैं ना अपनी मैली चादर झाड़ने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद कोरोना से ज्यादा हिट जो हमें पड़ी है हमारे एविएशन सेक्टर को, वो इसको पब्लिक करने से पड़ी। अब तो मेरे ख्याल से थर्ड वर्स्ट एयरलाइंस, सैडली हमारी रेटिंग बहुत नीचे चली गई है। और अब ये देखिए कि अगर पाकिस्तान में फेक है ये, जैसा भी उसने पढ़ाई की, अभी आपने विजिट किया हमारी एरियल एविएशन अकेडमी में, स्टूडेंट आए हुए हैं, बैठे पढ़ रहे हैं, इनके साथ एकेडमिक्स सारी कवर होती हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे आपने मैट्रिक टीचर ने सारा पढ़ा दिया, उसके बावजूद बच्चे ने एग्जाम में बैठ के चीटिंग कर ली। दैट शुड हैव बीन स्टॉप्ड इन हाउस। वन लाइनर बता दें कि PIA की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए?
हाँ, शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए, प्राइवेटाइज़ बहुत से लोग, आपने खुद ही अपने सवाल में अपना जवाब भी खुद ही बता दिया कि बहुत से लोगों को वाकई इश्यूज होते हैं। यही विल जो है फरवा, यही विल जो जिसमें ना होने की वजह से पी आई ए नुकसान में जा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, पी आई ए का माहाना जितना खसारा है, आप पी आई ए को बंद कर दें, इनको मुलाजमीन को घर बैठे रिटायरमेंट तक तनख्वाह देते रहें, फिर भी बचत है। तो मुझे बताइए, दुनिया में कौन सा अमीर तरीन मुल्क भी अपनी कोई सरकारी एयरलाइन चला रहा है? नहीं। अभी सारी दुनिया में लोगों ने, हर एयरलाइन ने हज़ारों लोगों को कोरोना की वजह से, बिकॉज देखें ये एविएशन का काम, ये हमारा फ्लाइंग क्लब हो या एयरलाइन हो, ये डेली वेजर वाला काम है। आप फ्लाई करेंगे, पैसेंजर आएंगे, पैसे कमाएंगे तो तनख्वाह मिलेगी। लेकिन पी आई ए माशाल्लाह बदस्तूर उसी महन पार के साथ 32 जहाज चला रहे हैं, जिसके साथ टर्किश एयरलाइन 100 जहाज उड़ा रही है। तो अगर आपने बेहतरी करनी है, मैन पावर को एक्चुअल फिगर्स पे रिड्यूस करें, सियासी हिम्मत चाहिए, यूनियन पे पाबंदी लगाएं, पेल्पा पे पाबंदी लगाएं। देखिए, पेल्पा एक नेक नियति से बनी होगी, जो यूनियंस होती हैं वो भी नेक नियति से होती हैं, लेकिन जब वो माफियाज में कन्वर्ट हो जाती हैं, देन इट इज़ बैड। मे बी दीज टू इंस्टीट्यूशंस आल्सो नीड अ फ्रेश स्टार्ट। तो अगर आपने बेहतरी करनी है तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, और अगर आपको वन लाइनर चाहिए, मेरी तरफ से इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का मकसद बेचना नहीं होता, आपने प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स को अपने से कुछ परसेंट बढ़ाना। और बहुत से ऐसी प्राइवेट बल्कि कमर्शियल हमारी जो चल रही हैं एयरलाइंस, और बहुत अच्छा, और यकीन करें कि हमारे जितनी भी अलीट क्लास है पाकिस्तान की, वो पी आई ए में सफ़र करना नहीं पसंद करती, अपने पाकिस्तान की एयरलाइंस में सफ़र नहीं करना पसंद करती, वो उन्हीं एयरलाइंस को प्रेफर करते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि ख़ासतौर पर इस तरह के वाक़ात के बाद, हादसात के बाद, तो लोग फिर एक आपका एक एयरलाइन का नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ जाता है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि इससे बेहतर है कि हम प्राइवेट एयरलाइंस में, जिनका रिकॉर्ड बेहतर है, उनसे ट्रैवल करें। तो ये चीज़ आई थिंक हमारे एविएशन वालों को मद्देनज़र रखनी चाहिए।